अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो चैप्टर टू को स्टार्ट कर चुके हैं उसमें हम लोगों ने सीखा है कि एक बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, उसके कौन कौन से स्टेप होते हैं, एक बायोलॉजिस्ट किस मेथडोलॉजी को यूज़ करते हुए किसी भी साइंटिफिक रिसर्च को फाइंड आउट करता है और अपने जो भी एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट होते हैं उन्हें क्या करता है, समराइज करता है। तो हमारे पास जो आज नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि कौन कौन से स्टेप हैं, किस तरीके से कोई बायोलॉजिस्ट इस काम को लेकर चलता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारे पास है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा इस स्टेप के अंदर एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या चीज़ है, व्हाट इज़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ आ क्वेश्चन, एक सवाल है। चूँकि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो इसको होना भी किसके साथ रिलेटेड चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। तो हमारे पास क्या है जी, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन किसके रिलेटेड, रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब क्या सवाल है जो या तो बायोलॉजिस्ट से पूछा गया या खुद उसके दिमाग में आ गया है। आप ऐसे सवाल को हमेशा क्या बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतालिक पूछा गया क्वेश्चन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और जब तक किसी भी बायोलॉजिस्ट को किसी प्रॉब्लम का इनकाउंटर ना हो, आमना सामना हो, तब तक वो बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल नहीं करता। अब उस सवाल से मुतालिक वो जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है किसी भी सोर्स से, आप उसे कह देते हैं कि वो उसके पास क्या एक्चुअली ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ये उसका सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप था रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेकंड स्टेप है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, वो तमाम इंफॉर्मेशन, वो तमाम डेटा जो फाइव सेंसेस को, यानी सेंस ऑफ साइट को, सेंस ऑफ स्मेल को, सेंस ऑफ टच को, सेंस ऑफ हेयरिंग को, इन पांच की पांच सेंसेस को यूज करने के बाद हासिल किया जाता है, वो सारे का सारा डाटा एक्चुअली ऑब्जर्वेशन होता है। अब नॉर्मली क्या होता है, ऑब्जर्वेशन दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास क्वांटिटेटिव होते हैं और दूसरा हमारे पास क्वालिटेटिव होते हैं। अब ये बात याद रखिएगा कि ये दो तरह के ऑब्जर्वेशन क्वालिटी और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस है। जो क्वांटिटेटिव होते हैं उसमें एक मिकदार होता है, उसे मिकदारी मुशाहदात का नाम दिया जाता है, और जिसमें किसी मिकदार का जिक्र ना हो उन्हें कहा जाता है कि वो क्वालिटेटिव है, माहिती मुशाहदा। तो मतलब मुशाहदात दो तरह की हो गई, एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। दोनों के दोनों ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, पर इनमें से ज्यादा बेहतर कौन सा है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्या होता है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ऐसे ऑब्जर्वेशन जिनको आप लोग क्या कर सकेंगे, लिख सकेंगे, रिकॉर्ड कर सकेंगे इन टर्म ऑफ नंबर, जिन्हें आप लोग क्या कर सकेंगे, मेजर कर सकेंगे। ऐसे तमाम ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास रिकॉर्ड किए जा सकते हैं इन टर्म ऑफ नंबर, जो मेजरेबल हो। तीसरी अहम चीज़ है कि जो वेरिएबल भी ना हो। इसका मतलब यह है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर दोज ऑब्जर्वेशन विच आर इनवेरिएबल, कैन बी मेजरेबल एंड रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर। ऑल दीज काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्चुअली कॉल्ड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ऑन द अदर हैंड क्या है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्या है, ऑफकोर्स अगर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो थे वो इनवेरिएबल थे तो क्वालिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन होंगे वो वेरिएबल होंगे। फिर हम दूसरी बात करते हैं इन टर्म ऑफ नंबर उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होंगे इन्हें आप लोग इन टर्म ऑफ नंबर रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तीसरी अहम चीज़ क्या है कि जब आप लोग कहते हैं कि इनके पास क्या होता है जी, ये मेजरेबल नहीं होते हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन मेजरेबल नहीं होते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास हम कहते हैं जी पानी का नुक्ता इंजमात नुक्ता उबाल से ज़्यादा है, या फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम होता है किससे, बॉइलिंग पॉइंट से। अब कम या ज़्यादा का वर्ड यूज़ किया है तो ये एक तरह का क्वालिटेटिव, यानी हमारे पास लो हाई ये जो वर्ड है ये सारे के हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में इस्तेमाल होंगे। फिर हम लोग आगे बताते हैं तो हम कहते हैं जी
जो एक पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है वो है जी 0 सेल्सियस स्केल, और पानी का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 सेल्सियस स्केल। तो 0 एंड 100 बाकायदा क्वांटिटीज हैं, तो आपने कह दिया कि वो एक तरह का क्या है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। याद रखिएगा ऑब्जर्वेशन में प्रीवियस जिन लोगों ने ऑब्जर्वेशन किए होते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि जितना भी साइंटिफिक नॉलेज है वो एवर ग्रोइंग नॉलेज है, तो पिछले ऑब्जर्वेशंस को भी क्या करते हैं, इकट्ठे करते हैं। अब जितने भी ऑब्जर्वेशन है इनको तरतीब लगा लेंगे, अरेंज्ड कर लेंगे, तो वो ऑब्जर्वेशन कहलाएंगे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। क्यों तरतीब लगाएंगे, ताकि आप उनसे क्या बना सकें, तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप जिसे कहते हैं फार्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। क्या करते हैं, जब आप सारे ऑब्जर्वेशंस को अरेंज्ड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, क्या होता है उसमें, उसमें होता यह है कि आप लोग साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस को इस तरतीब से अरेंज कर लेते हैं कि वहां पर क्या है कि हर ऑब्जर्वेशन पर क्या है, किसी रिजल्ट को निकालना आसान है। जब आप उस ऑब्जर्वेशन को निकालने के लिए आसानी के साथ तरतीब लगा लेते हैं, वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होते हैं, और उस साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से निकाला गया टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन किसकी, ऑफ ऑब्जर्वेशन की, मुशाहदात की ऐसी वजाहत जिस पर अभी तहकीक करना बाकी है। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। एक अच्छा हाइपोथेसिस क्या हो सकता है, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, इट शुड बी कीप सिंपल एज पॉसिबल, इट शुड बी टेस्टेबल एंड कैन बी फॉल्सिफाइड। इस तरह की पांच छह क्वांट जो हमारे पास क्या है, इसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं एक अच्छे हाइपोथेसिस की, और जब एक बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज करने के बाद ऑब्जर्वेशन कंप्लीट करता है, देन वो हाइपोथेसिस बनाता है। हाइपोथेसिस के बाद वो अपने नेक्स्ट मराहिल में जाता है, जिसे आप लोग कहते हैं डिडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने जाएंगे डिडक्शन से मुतल्लिक, कि किस तरीके से हाइपोथेसिस को लेकर डिडक्शन बनाई जाती है। बहुत शुक्रिया।